Hello, dear viewers. I am Nayab, student of BDS from KMDC through this platform of the Doctor's Lab. Today, I am going to share the course outline of first year BDS with you all. Let's have a look at the subjects first. First professional year of BDS, we have 4 subjects: anatomy, biochemistry, physiology. Kuch universities mein hamare paas dental materials first year mein included hai, jabki kuch universities mein oral biology first year mein included hai. Agar baat ki jaye books ki, sabse pehle baat karte hain anatomy ki. Anatomy ko hamare paas 5 divisions mein divide kiya gaya hai: general anatomy, gross anatomy, histology, embryology aur neurology. Agar baat ki jaye general anatomy ki, to uske liye hamare paas BD 84 padhi jati hai, aur baat ki jaye gross anatomy ki, उसके लिए हमारे पास 3 बुक्स हैं, बी डी चौरसिया, के एल एम और ग्रेस. बेस्ट अप्रोच ये है कि के एल एम और ग्रेस पढ़ के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए जाएं एंड देन बी डी चौरसिया पढ़ी जाए इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए. इन तीनों बुक्स को मिला के मेमोराइज किया जाए तो पेपर ईजिली क्लियर हो जाता है. फिर बात करते हैं हिस्टोलॉजी की. हिस्टोलॉजी के हमारे पास 3 बुक्स हैं, लाइक हुसैन, वीटर्स और जेन क्वेरा. हिस्टोलॉजी बी डी एस स्टूडेंट्स को इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी होती है, इसलिए लाइक हुसैन पर रिलाई किया जा सकता है. फिर बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की. एम्ब्रियोलॉजी के लिए हमारे पास जो 2 लॉन्ग बुक्स हैं उनमें केलम और लैंगमैन है, और शॉर्ट बुक हमारे पास शर्जील है. बेस्ट अप्रोच है केलम को पढ़ा जाए, उससे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए जाएं, और एग्जाम टाइम पे जब शर्जील रिवाइज की जाएगी तो केलम पे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो दिमाग में रिवाइज होंगे, जिसकी वजह से शर्जील को मेमोराइज करना आसान हो जाएगा. फिर बात करते हैं न्यूरो एनाटॉमी की. न्यूरो एनाटॉमी के लिए हमारे पास जो बुक्स है वो स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी है. डिटेल्ड बुक है, लेकिन बीडीएस स्टूडेंट्स के अंदर से स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ते हैं. फिर बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की. बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारे पास जो लॉन्ग बुक्स हैं वो लिपिनकॉट और चैटर्जी हैं, जिनके अंदर से हम मेटाबॉलिज्म्स को पढ़ते हैं. देन हमारे पास शॉर्ट बुक्स में फाइक और सत्यनारायण है. फाइक से आप क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, मेटाबॉलिज्म रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ छोटे चैप्टर्स भी फाइक से निकल जाते हैं. फिर बात करते हैं फिजियोलॉजी की. फिजियोलॉजी की हमारे पास जो लॉन्ग बुक्स हैं उनमें गाइटन एंड हॉल आ जाती है, इसके अलावा शेरवुड आ जाती है. शॉर्ट बुक में हमारे पास फिरदौस आ जाती है. बेस्ट अप्रोच फिजियोलॉजी पढ़ने की ये है कि आप गाइटन एंड हॉल से इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं उनके चैप्टर्स एक दफ़ा पढ़ लें, रीड कर लें, देन जब आप फिरदौस से उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो गाइटन एंड हॉल के कॉन्सेप्ट जो हैं वो दिमाग में रिवाइज होंगे, जिसकी वजह से फिरदौस भी इजीली समझ आएगी और इजीली मेमोराइज हो जाएगी. फिर बात करते हैं ओरल बायोलॉजी की. ओरल बायोलॉजी भी हमारे पास 2 डिविजन्स में है, ओरल हिस्टोलॉजी और ओरल मॉर्फोलॉजी. ओरल हिस्टोलॉजी की लॉन्ग बुक जो है हमारे पास वो 10 केट्स है, जबकि शॉर्ट बुक टर्स है, और ओरल मॉर्फोलॉजी की हमारे पास जो लॉन्ग बुक है वो व्हीलर्स है और शॉर्ट बुक फुलर्स है. फिर बात करते हैं डेंटल मटेरियल्स की. डेंटल मटेरियल्स के लिए भी हमारे पास 2 बुक्स हैं, मकैप और फिलिप्स. बेस्ट अप्रोच ये है कि पहले मकैप पढ़ी जाए, और कुछ टॉपिक्स जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं उनको फिलिप्स से भी एक दफ़ा पढ़ लिया जाए, बिकॉज फिलिप्स के अंदर ज़्यादा डिटेल है, जबकि मकैप जो है वो कॉम्पैक्ट है. अब अगर बात की जाए कि किस सब्जेक्ट को आप किस तरह ईजिली कवर कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएम की, डेंटल मटेरियल्स की. सबसे पहले आप डेंटल मटेरियल्स के सारे चैप्टर को डिवाइड करें, फिलिंग मटेरियल्स के चैप्टर्स के अंदर, मेटल्स, इंप्रेशन मटेरियल्स के चैप्टर्स, और डेंचर सेटअप से रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनके अंदर. देन कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स बच जाते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, एंडोडोंटिक्स, डेसिस वगैरह आ जाते हैं. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन चैप्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाला चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हों और बेस बिल्ड हो. उसके बाद फिलिंग मटेरियल्स, इंप्रेशन मटेरियल्स, डेंचर सेटअप के चैप्टर्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है पेपर में. फिर अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री किस तरह कवर करनी है, बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आप डिवाइड कर लें क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स और मेटाबॉलिज्म के चैप्टर्स को. क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स जो हैं वो आप इजीली फाइक से कवर कर सकते हैं. उसके बाद आप कुछ वीडियोस देखें मेटाबॉलिज्म के लिए, लॉन्ग बुक्स पढ़ें, और फाइक से आप फिर मेटाबॉलिज्म एक दफ़ा रिवाइज कर लें, इससे आपको मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगे. देन कुछ चैप्टर्स बच जाते हैं एंजाइम्स, मिनरल्स, डायबिटीज़, मेलाइटिस के, ये एंड में कवर हो सकते हैं. फिर बात करते हैं फिजियोलॉजी की. फिजियोलॉजी में कुछ यूनिट्स जो होते हैं वो आपको डिटेल में पढ़ने के होते हैं, और कुछ यूनिट्स जो होते हैं वो सुपरफिशियली रीड देने की होती है, या ये फिरदौस से भी निकल जाते हैं. अगर बात करें डिटेल यूनिट्स की जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है पेपर में, तो उसमें ब्लड, मसल, रेस्पिरेशन, हार्ट, सेल और किडनी शामिल हैं. इनको आप पहले गाइटन एंड हॉल से रीड दें, देन आप जब इनको फिरदौस से पढ़ेंगे तो ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे. फिर बात करते हैं सुपरफिशियली पढ़ने वाले यूनिट्स की, जिनमें आते हैं एंडोक्राइन, GIT, CNS और सर्कुलेशन. एंडोक्राइन, GIT और सर्कुलेशन जो है वो फिरदौस से पढ़े जा सकते हैं, जबकि CNS जो है वो सुपरफिशियली गाइटन एंड हॉल से ही पढ़ा जाएगा. फिर हम बात करते हैं अनाटमी की. अनाटमी में हमारे पास जनरल BD में से बोन्स, जॉइंट्स, इंट्रोडक्शन चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो सुपरफिशियली पढ़े जा सकते हैं. अगर एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शुरू के स्टार्ट के 3 वीक्स, देन डेवलपमेंट टेबल्स जिनमें एंडोडर्म, एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, प्लेसेंटा, फेरेंजियल आर्चेस एंड फेरेंजियल पाउचेस. इसके बाद हिस्टोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें एपिथीलियम,
connective tissue, glands, thymus, spleen, salivary glands और tongue. ये सब बहुत important है. सबसे पहले ये cover किए जाएंगे. फिर अगर बात करें gross anatomy की, gross anatomy में सबसे पहले cover करने वाली चीज़ है skull, cervical vertebrae, nerves, arteries, veins, plexus, ganglion, ये सब. जब आपका इसका concept build हो जाएगा, then आप neck, eye, ear, pharynx, larynx, tongue, nose, ये सब revise करें, ये सब पढ़ें, तो वो easily cover हो जाएंगे. Then बात करते हैं neuro anatomy की. न्यूरो एनाटॉमी जो है वो बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़नी है, सुपरफिशियली ग्रॉस स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है. सबसे पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन सब के स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया जाए. सुपरफिशियली ग्रॉस स्ट्रक्चर्स इंटरनल नहीं पढ़ना. देन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें बेसल न्यूक्लियाई, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ब्लड सप्लाई, मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन शामिल है. इनको बहुत डिटेल में करना है. इसके बाद लिम्बिक सिस्टम, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सब जो है वो सुपरफिशियली सिर्फ फंक्शंस देखने हैं. देन असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स जो है उनके भी फंक्शन देखे जाएंगे. देन लास्ट में हम बात करते हैं ओरल बायोलॉजी की. ओरल बायोलॉजी में हमने पहले ही देख लिया था कि दो डिविजन्स है, एक ओरल हिस्टोलॉजी और एक ओरल मॉर्फोलॉजी. ओरल मॉर्फोलॉजी में आपको टीथ, उसकी सर्फेसिस, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा. देन उसके बाद ओरल हिस्टोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें टूथ डेवलपमेंट, इनेमल, डेंटिन की फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स, ये सब होते हैं, पेरियोडोंशियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये सबसे पहले कवर करने के हैं. उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, टीएमजे, बोन जो है ये आप एंड में भी कवर कर सकते हैं. होपफुली आपको हेल्पफुल लगा होगा. थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वी आर ट्राइंग टू मेक योर एजुकेशनल जर्नी बेटर. If you really want to support us, do share it with your friends and hit the subscribe button. Thank you.